गिर गई वो। तो इस ब्लॉग में क्या होगा खास बात वो आप लोग को इसी ब्लॉग में बताएंगे, और क्या है गिफ्ट और कौन लाए तो वो आप लोग को बताएंगे जरूर। तो चलिए इस ब्लॉग पर बने रहिए आप लोग। हमारी राशि देखिए कितना ज़्यादा शैतानी करी, देखिए तो राशि ये तो देखो तो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी। तो चलिए कोई बात नहीं, बची है तो शैतानी करना बनता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें ना बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता है, और आप लोग के लाइक के बिना तो हम लोग कुछ नहीं है, क्योंकि आप जितना लाइक कीजिएगा उतना ज़्यादा हमें हौसला बनेगा। तो चलिए ब्लॉग पर बनी रहिए। फिर से आज आइसक्रीम खा रही है बेटा, ये देखिए राशि आइसक्रीम खा रही है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और अभी सुबह के बज गए हैं 5:20, और आज थोड़ा जगे थे थोड़ा पहले, और काम हो रहा है लेट से क्योंकि हमारी राशि भी जग गई है। और हम मतलब अभी आधा झाड़ू लगाए हैं रूम इधर उधर उस साइड, कैसे बताएं मतलब उधर जिधर बेबी का घर कैया है इसका, यानी कि उधर आधा झाड़ू लगाए तो ये जग गई। अब इसे भूख भी लगा था तो इसे दूध पिला दिए, अब इसे उसी घर के हमें आंगन में दे देंगे तो ये खेलेगी, तो अभी झाड़ू लगाएंगे। तो चलिए आप लोग देखिए, है ना राशि, तुम गुड मॉर्निंग नहीं बोली, ये देखिए ये क्या देख रही है सभी। तो चलिए अभी पहले फटाफट से झाड़ू लगा देते, उसके बाद जो काम है वो भी करना है ना, और टाइम भी बहुत कम है। गुड मॉर्निंग गाइस लोग, क्यूट क्यूट लाची बेबी के साथ गुड मॉर्निंग। राशि को इसमें दे दिए हैं, राशि इसमें दे दिया, ये खेलेगी। अब गाना सुना दो गाइस लोग, गाना सुना दो गाना। क्योंकि ये टिप रही थी और हमें टिप दिए तब तक, है ना राशि और सोएगी बेटा। तो चलिए अभी हम झाड़ू लगाने, जो कि आधा लगाए थे आधा नहीं लगाए थे, चलिए अभी तब तक झाड़ू लगाते हैं। तुम यहीं पर खेलना, अच्छा खेलो बेटा, बाय 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 बाय। देखिए आप लोग बाय बाय, तो ये ऐसे खेलेगी तब तक हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि डर भी है अकेले छोड़ने में, क्योंकि उस दिन मतलब कुछ दिन पहले वहाँ पर सिलवट है उसी पर गिर गई, और थोड़ा सा यहाँ पर हम सोचे कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो है छिला गया है बेलू। रुकिए आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं कि इसका बेल जो है कहाँ पर फूट गया थोड़ा सा, तो इसका बेल कहाँ, ये तो छूने ही नहीं देती अपनी बेल को। तो देखिए इधर सब पूरा कितना गंदा है, और इधर हम देखिए आधा झाड़ू लगाए थे आधा नहीं लगाया है। उधर झाड़ू हम लगा लिए हैं उधर, और अपने रूम भी, और इधर देखिए उसके चक्कर में हम ऐसे ही रख छोड़ दिए थे, अब झाड़ू लगाएंगे पूरा। राशि वो देखिए हमारी राशि कुकू बेटा कु गुच्छा हो गई है हमसे। राशि राशि को भी उसमें से झूला में से निकाल के भी दे दिए वहाँ नीचे में खेलने के लिए, क्योंकि उसमें गिरने का चांस था, इसीलिए हम उसमें से निकाल के धर दिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार हमारी बच्ची को बहुत अच्छा से चोट लग गया, और दोबारा थोड़ा बड़ी हो जाए तो लगे, लेकिन अभी बहुत छोटी है ना देख लगे, और इसे कपड़ा भी चेंज कर दिया ताकि अच्छी लगे। लाची ओए कु लाछो लाछो बेटा, विक्स कहाँ गया तुम्हारा खेलने वाला, ये विक्स है या ये लो, सो जा सो के खेलो, अरे बैठना होते नहीं आता है ना, बैठ के खेल सो के खेलो। ओ बटे मोली खेलो कू कू हंस दो हंस दो।
और अभी देखिए कितना बज गया, इतना बजे तक में मेरा सारा काम हो जाता, नहाने जाते थे लेकिन आज कुछ नहीं हो पाया, झाड़ू भी नहीं लगाया। आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फटाफट से कर लेती हूँ पहले, तब आप लोग से मिलते हैं, झाड़ू लगा के उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। एक सेकेंड मतलब हम मोबाइल का कैमरा ऑन करके राशि के बगल में रहते थे, देखते हैं वो आप लोग से कितना ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए आप लोग राशि से बात कीजिए। तो क्या कर रहे हैं अभी, बर्तन धोए हैं और झाड़ू पोछा सभी हो गया, अभी हम खाना के लिए वहाँ बनाने के लिए सभी चीज़ वहाँ पर जो है सभी चीज़ ला कर रख दिया पहले से। और यहाँ पर भिंडी का सब्ज़ी बनाएंगे, चावल दाल सब्ज़ी बनाएंगे, उसके लिए अभी भिंडी का सब्ज़ी बनाएंगे ना, इसलिए भिंडी ले लें। उसके बाद मतलब खाना वाना बना के आज नहाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, उसके बाद योगा करेंगे, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुका है इसीलिए, क्योंकि हमारे बेबी भी साथ में ही जग गई आज, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया, मतलब थोड़ा लेट गया। दिक्कत क्या होगा, एक घर से बच्चे संभालना और ब्लॉगिंग करना, घर का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, फिर आर्जने का खाना बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है आप लोग सोच सकते हैं ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसमें भी, कि अकेले हर एक काम करना होता है ना। ठीक है, देखिए ये मूंग का दाल है जो आप कल वाले ब्लॉग में देखे, किसे डेंगा डेंगा के पूरे अच्छे से करिए, ऐसे भुनेंगे उसके बाद जाता में दर रहेंगे, तो फिर वो भी दिखाएंगे, हो सकता है दिखाएं भी सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी आगे जाता है तो ब्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है इसीलिए। तो चलिए फटाफट पहले खाना मतलब चढ़ा देते, क्या करें जैसे वाला करना पड़ता है ना, इसीलिए हिम्मत तो नहीं आते, किसी के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना, करने के लिए कोई हेल्प करे तो छोड़ सकते हैं, कितना दिन हेल्प मांगेगा किसी से, एक दिन दो दिन, डेली डेली तो कोई हेल्प नहीं कर देगा ना आप लोग का, मतलब हमारा, इसीलिए हम खुद से करते हैं। तो चलिए पहले, अब हो सकता है तो खाना बनाने के बाद भी मिल सकते हैं, हो सकता है तो बीच में भी मिल सकते हैं, तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग पर। ये देखिए अभी मतलब जो है इसको भूनेंगे, आप लोग देखिए और मॉर्निंग का भी कितना बजे है आप देखते हैं। और हमारे यहाँ ना मतलब ये दाल ही खाया जाता है, क्योंकि अभी खेत का उपजा हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि खरीदने नहीं जाता ना, इसीलिए ये दाल ही मतलब बोला जाता है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये दाल, मूंग का दाल, इसीलिए आप लोग बताइए कौन सा दाल इसे कहते हैं। और आज देखिए कितना अच्छा जल रहा है आग, तो फटाफट से खाना हो जाएगा ना, इसीलिए अभी 6:30 गए, यानी कि 30 मिनट में चूल्हा जो रहे हैं, अब देखते हैं मतलब ये चलाए हैं, अब देखते हैं कि ऑटोमेटिक कितना देर में हमारा मतलब कितना टाइम में हमारा खाना बनेगा, तो देखते हैं। चलिए आप लोग तब तक बने रहिए, हाँ खाना जब हो जाएगा फाइनली उस टाइम तो बताएँगे कितना बजा और हुआ या नहीं हुआ, तो आप लोग को बताएँगे ज़रूर। तो चलिए अभी पहले मुला जल गया, अब तो मेरा खैर नहीं है, डांट सुनना पड़ेगा मैं, क्योंकि ब्लॉग बनाने के चक्कर में दाल दी, आप लोग देखिए जल चुका है मेरा, देखिए जल गया ना हमारा दाल, अब तो मम्मी से डांट पड़ेगा राउंड से। बहुत रिस्क से बनाते हैं आप लोग, वीडियो को नहीं देखते पूरा, ना ही लाइक करते हैं, ये देखिए ब्लॉग बनाने के चक्कर में दाल जला दिए, अब आप लोग को पता है ये ब्लॉग बनाने के चक्कर में हमें मम्मी से कितना ज़्यादा डांट पड़ेगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कोई लाइक नहीं करता, प्लीज़ लाइक कीजिए प्लीज़। खाना बना रही है राशि, हाँ कि खाने आई थी तुम, ओए खाना बनाने आई थी कि खाने आई थी, फिर बता जल्दी बता, और बता दो ना पहले खाना आई थी, भूखो लगा था तुमको, हो गया अब खाना खा लें तुम, अब खाना को देख रही है राशि, शू शू।
राजो राशि खाना बनाएगी, बड़ी हो जा जल्दी से, बड़ी हो जा जल्दी से, तो मम्मी का हेल्प करना है ना, है ना, हेल्प करेगी मम्मी का, हेल्प करेगी ये, कुछ नहीं बोलती है, जा अच्छी बच्चे नहीं है तो, चल दादी पास जाएगी, हाँ जाएगी दादी पास कि सोएगी अभी, मत बोल। हमारी राशि वहाँ पर बैठी है और हमारा दाल दर्रा भी हो गया और हम इस तरह को फटक लिए और उसमें अभी दाल गिराएंगे। राशि को और उसको सोने का मन हो गया, शर्मा गई, ये देखिए। तो भी हमें फटक उटक लिए अच्छे से और इसमें दाल गिराएंगे। तो अभी हम सब्जी काट रहे हैं, इतना सारा काट लिए थे, अभी इतना बाकी है। इधर है मतलब जो है दाल हो गया, अभी दाल को मतलब उतारेंगे इसमें सस्पेन में और इसमें पानी निकालने दाल के, तब उसके बाद घाटेंगे ना, तब तक सब्जी झोल लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बैक कैमरा से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से बैक कैमरा से तो ऐसे भी रख के मतलब यहाँ पर भी रख के उधर दिखा सकते हैं ना, इसीलिए तो पहले भी दाल उतार लेते हैं उसके बाद आप लोग को बताते हैं। तो दाल उतार लिया, अब पहले सब्जी झोल लेते हैं, उसके लिए देखिए हम पहले से काट उट के रख लिए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना इतना मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और इतना ज़्यादा सपोर्ट, अभी हम यहाँ पर अभी इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो वो आप लोग की वजह से हैं, और आई होप कि आप सब इसी तरह हमें प्यार और सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ढेर सारा मेहनत वाला वीडियो बना सकें, और आप लोग के लिए मेहनत कर कर के वीडियो बनाएंगे। तो अभी पहले सब्जी छोल लेते हैं, बैकिंग वैसे अपना देंगे, वही दिब गया है, इसमें तेज पत्ता दे देंगे, बैक कैमरा से नहीं अब सब्जी मतलब खाना बनाने के बाद मेरा सब्जी भी हम मेरा चावल भी हो गया, इधर दाल भी हो गया, तो पहले किसे करें समझ से बाहर, तो पहले चावल गिल्ला ना हो जाए इसीलिए पहले हम चावल को पसा लेते हैं, उसके बाद दाल को रेडी करेंगे। तो चलिए अब फाइनली बोल रहे हैं कि अब खाना बनाने के बाद ही आप लोग से मिलते हैं। खाना बन चुका है और अभी 8 बजे में है, 10 मिनट इतना जल्दी खाना बनाना पड़ा, और हमारी राशि रो रही थी, इसलिए देखिए ये बिस्किट दिए थे खाने के लिए और राशि घुसा गई, ये देखिए इसकी गात पर क्या चिपक गया है देखिए। और अभी जा रहे हैं इसे सुला के, उसके बाद झाड़ू जो है वो सब काम करके आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए आप लोग इसे सुलाने जा रहे हैं, तो तब ब्लॉग पर इसलिए नहा के आ चुके हैं, और आए तो अभी और आधा बाल झाड़ लिया और आधा बाल झाड़ना बाकी है, हमारी राशि खेल रही है। तो अभी हम पहले बाल बांध लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा खेल रही है, उसके साथ कैमरा नहीं घुमाया इसीलिए वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही है। तो देखिए राशि खेल रही है, तो हम जा रहे हैं अभी पूजा करने के लिए, नहीं लेते बेटा। तो मतलब आप लोग बता रहे थे ना कि पूजा वाला ब्लॉग नहीं है, तो उतना लंबा नहीं देंगे पूजा वाला ब्लॉग, क्योंकि और भी कई सारे काम होते हैं ना, इसीलिए तो अभी पूजा रूम में है देख सकते हैं, और अभी पूजा तो की आप लोग देखिए जैसा चल रहा है, तभी हम वहाँ पापा जी बाहर में, तो ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ क्योंकि अभी भी हम चोरी छिपके बना रहे हैं वीडियो, आप लोग हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं कि हिम्मत हो रहा है कि थोड़ा बहुत बना भी सकते हैं, बट आप लोग और भी ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम दुनिया के सामने जाके वीडियो बना सकें। तो वहाँ पर भी चल जाएँगे, वहाँ पर आप लोग को वहाँ नहीं दिखा सकते। तो चलिए अब फाइनली पूजा कर, किसी आइसक्रीम खाएगी,
हंस दो हंस दो, इसमें खुद आइसक्रीम का ये ठंडा 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 आइसक्रीम दो फाड़ देते हैं, दोनों फाड़ देते तब खाना। देखो मीठा लग रहा है अब ये घर पे रुको ही काम करता पकड़ा तो ऐसी आइसक्रीम खाएगी ठंडा ठंडा। रुको निकल गया निकल गया, पकड़ो पन्नी पकड़ो तो बेटा। हेलो अभी लो है ये तो कौन कौन सी गिला आइसक्रीम पकड़ो 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 ठंडा ठंडा आइसक्रीम। आइसक्रीम खाई गिला छी आइसक्रीम गिर गई। कैसे गिर गई चोटो लगा आइसक्रीम खाई आइसक्रीम आइसक्रीम जा दादी पास। अब ऐसे गिर गई तो आइसक्रीम मिला ना बेटा, नहीं गिरती तो आइसक्रीम भी नहीं देते ना। हम खा अब हम खा रहे अच्छी आइसक्रीम खा लिए। मेरा खाना वहाँ पर परसा धरा हुआ है क्योंकि राशि गिर गई थी फिर से आज। आइसक्रीम खा रही है बेटा, ये देखिए राशि आइसक्रीम खा रही है चोकोबार खा रही है। एक ठो आइसक्रीम खाई तो देखिए देखिए राशि की शैतानी छी बेटा क्या कर रही है छी छी सो के खा रही है। बैठा दो राशि बैठो बेटा मुंह में लेके दिखा रही है आप लोगों को ठंडा ठंडा राशि की शरारत। ए भगवान देखिए वहां पर क्या करती घिना दी है और धोना पड़ेगा राशि का। राशि सर्दी है ना आपको क्या कर रही है बेटा चॉकलेट खा रही है भूतू बन गई है आप। ये देखो क्या करे घिना रही है पकड़ के राशि गिर गई वो। अरे राशि देख रो रही है लो गई राशि चुप हो गई गिर जाती है मजबूत स्ट्रांग बेटी है मेरी। तो इस ब्लॉग में क्या हुआ खास वो आप लोग को इसी ब्लॉग में बताएंगे। तो आप लोग आई होप कि इस ब्लॉग पर आप लोग ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। तो इस ब्लॉग में क्या है खास बात हो और क्या है गिफ्ट हमारे लिए तो आप लोग को इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए। तो हे गाइस तो आप लोग को हमारा जो है खाना पीना सभी काम जो है हो गया हम खाना खाना जिस टाइम गए उस टाइम आप लोग देखें कि हमारी बेबी जो है गिर गए थे बहुत ज़्यादा रो रही थी आइसक्रीम खिला रहे थे तो आप लोग जैसे देखे। और पूजा अभी मेरा जो काम है पूजा अभी कर लिए और अभी हो रहा है शाम का टाइम क्योंकि कुछ आप लोगों को कैसे बताएं कि ब्लॉग शूट करने में बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत होता है। हमारी राशि वहाँ पर खेल रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अब इतना दिक्कत कि आप लोग जान भी नहीं सकते हैं। अगर आई होप कि अगर रोशन जी रहते तो हमारी हेल्प हो पाता था और वो तो है ही नहीं हम क्या करें पता नहीं। उसके बाद जो चलिए अभी हम आप लोग जैसे देखिए कि हमारे लिए गिफ्ट आया है वो क्या है वो आप लोग को हम दिखाएंगे। ठीक है पहले बैठ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारी राशि उधर खेल रही है उसे खेलने के लिए कुछ दे दिए थे। हमारे लिए गिफ्ट जो आया है वो बहुत ही अच्छा है और कौन लाया है ये भी बताएंगे क्योंकि नाम बोलें क्योंकि अगर आप लोग सोचते होंगे कि मन में कि क्या यार आप लोग उसको भी दिखाइए तो उनको हम बोलें कि आपका भी ये आप जो इतना हमारे लिए इतना सब कुछ किए तो आपका भी ब्लॉग बनाते हैं कुछ तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं हम ब्लॉग बनाने के लिए वो यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं बनाते बस ऐसे ही सिंपली से आए हमें कुछ दे के गए तो आप लोग को दिखाएंगे अपने इसी ब्लॉग में तो अभी दिखा दे ही देते हैं क्योंकि दिखा के उसके बाद जो और अभी शाम का टाइम है आप लोग को जैसे बताया अभी लाइट भी है पंखा भी चल रहा है और कि हो सकता है कि हवा की वजह से जो है आवाज़ कम जा रहा होगा हमारा। और वो भी अगर आप लोग के मन में अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनका हम जवाब दे सकते हैं तो वो हम ज़रूर देंगे। और आप सब जो इतना श्रद्धा हमें प्यार देते हैं बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया जितना भी बोला जाए वो बहुत ज़्यादा कम है।
हमारी हर्षी भी बोल रही है थैंक यू सो मच ऑल यूट्यूब फैमिली। और चलिए हम भी दिखाते क्योंकि इसका अनबॉक्सिंग हमारी हर्षी के पास दिया था, हम सोचे वीडियो शूट करेंगे बट उस टाइम में कोई काम था सो हम इसलिए शूट नहीं कर पाए थे। आपको दिखा देते हैं फाइनली, तो चलिए अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। तो ये रहा हमारा, ये जो है हमारा स्टैंड जो कि हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत था इसीलिए हम मेरा जो है बहुत ज़्यादा सराहत करिए, इसका हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत था तो इसीलिए ये हमें मिल गया। अब हमें ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा, जो भी मतलब आप लोग सोच रहे हैं कौन दिए हैं तो इत्तेफाक से उनका भी नाम रोशन जी ही है, सॉरी रोशन ही है, रोशन जी के नाम से ही रोशन है और उन्होंने ही दिया हमें पिज़्ज़ा। और आप लोग बताइए कैसा है, अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए इसे, ओ अच्छा है ना, ये देखिए इसे अब हमें टेंशन नहीं हुआ, अब हम कहीं पर भी रख के हम ब्लॉग शूट कर सकते हैं, मतलब कहीं पर यहाँ पर भी जाएंगे तो रख लेंगे, ऐसे पकड़ के भी शूट अब कर सकते हैं ऐसे है ना। तो अभी हम मतलब वहाँ पर कुछ जगह है तो हम वहीं पर भी रख दें क्योंकि हम लोग को कभी सोच भी नहीं सकते कि हमें कितना ज़्यादा जो है मतलब वीडियो बनाने में दिक्कत होता है ना बेटा। और इसमें कुछ है क्या बेटा, तो ये देखिए इसमें भी है मतलब इसमें ऐसे ऐसे है और इसमें ना मतलब मोबाइल को सेटअप कर मतलब सेटिंग कर सकते हैं, तो चलिए और भी अच्छा है। और राशि भी बहुत ज़्यादा खुश है, राशि ओए देखिए तो राशि ये तो देखो तो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी, तो चलिए कोई बात नहीं बच्ची है तो शैतानी करना बनता है। और वीडियो अगर अच्छा है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग जितना अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमें ना बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता है और आप लोग के लाइक के बिना तो हम लोग कुछ नहीं है, क्योंकि आप जितना लाइक कीजिएगा उतना ज़्यादा हमें हौसला बनेगा। तो चलिए ब्लॉग पर बनी रहिए।